सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और काफ़ी दिनों के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, उसकी वजह है काफ़ी बिजी भी रहा और थोड़ा स्कूल का भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो यहाँ भी बिजी हूँ। तो आज से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं डेली ब्लॉगिंग। मस्त मौसम हो रहा है, पीछे आप देख सकते हैं डॉग मस्ती कर रहे हैं। आई थिंक आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, काफ़ी दूर बहुत सारे डॉग्स हैं, वो मस्ती कर रहे हैं। उठ गया हूँ, लाइट नहीं आ रही है, प्रेस करनी है, तो मैंने सोचा थोड़ी देर ऊपर टहलते हैं। मस्त मौसम होता है सुबह और शाम को, दोपहर में तो बहुत तेज़ गर्मी होती है, तो अभी टहलते हैं थोड़ी देर, फिर चलते हैं नीचे, लाइट आ जाए, फ्रेश करनी है। सो गाइस, चल रहे हैं अब नीचे, आ रही है लाइट, तो कर लेते हैं जल्दी से फ्रेश और होते हैं रेडी। सो गाइस, हो गई है प्रेस, होते हैं अब रेडी, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट लगेंगे रेडी होने में। सुबह चलते हैं, नहाते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है 7:30, नहाकर निकलते हैं जल्दी से स्कूल। सुबह आ गया हूँ नहाकर, होते हैं जल्दी से रेडी। सो गाइस, हो गया हूँ रेडी, बस ब्रेकफास्ट करना है, शूज पहनने, हेयर कॉम करने और निकलते हैं अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स में। सो गाइस, ले लिया मैंने अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैं कर रहा हूँ रस और मटरी, ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि जिम जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है और बेली फैट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। सो गाइस, हो गया हूँ रेडी और टाइम भी हो गया है हमारे निकलने का, तो निकलते हैं, मिलते हैं दवाई पाए। सो गाइस, पहुंच गया हूँ स्कूल, चलते हैं और मिलते हैं हम आफ्टर द स्कूल। 7 hours later। सो गाइस, टाइम हो गया है 3:45, रिपोर्ट कार्ड की वजह से बहुत टाइम लगता है स्कूल में, निकल रहा हूँ अभी घर के लिए। सो गाइस, टाइम हो गया है 3:50, आ गया हूँ, करता हूँ चेंज, मिलते हैं चेंज करने के बाद। सो गाइस, सर्व कर लिया मैंने अपना खाना, खाने में है मटर टमाटर आलू की सब्जी और रोटियाँ, तो खाते हैं और अब मैं मिलूंगा आपसे इवनिंग में, कोई खाना खा के मैं सो जाऊंगा, बहुत ज्यादा थक जाता हूँ आजकल। 2 hours later। सो गाइस, उठ गया हूँ सोकर और टाइम हो गया है 6:25, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 hours सो लिया हूँ। अब टहलते हैं थोड़ा, उसके बाद जमुना प्रसाद भैया आएंगे, मस्त चाय बनाकर पियेंगे थोड़ा, अभी जो आलसपन आया वो दूर हो जाएगा। दोपहर आया था तो बहुत तेज नींद आई थी इसलिए सो गया था, तो अभी चलते हैं छत पर थोड़ी देर टहलते हैं। तो चलते हैं ऊपर।
टैंक फुल हो गया है तो इसको बंद कर देते हैं। सो गाइस, अभी मैं छत पर आया टहला था, तो मैं अपना चैनल चेक कर रहा था ऐसे ही एनालिटिक्स में जाकर। तो मैंने चेक किया है हमारे चैनल पर 1,00,000 व्यूज़ कंप्लीट हो गए हैं, जो आई थिंक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और हमारे चैनल ने एक और अचीवमेंट कर लिया है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से 1,00,000 व्यूज़ कंप्लीट हो गए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। जल्दी से सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो, तो एक और जो सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है एक यूट्यूबर के लिए, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तो टहलते हैं, फिर जमुना प्रसाद भैया आ रहे होंगे, चाय साय पियेंगे। सो गाइस, आ गई है हमारी चाय, चाय के साथ है थोड़ी सी नमकीन। पीते हैं चाय, क्योंकि शाम को ऊपर अंधेरा होने के बाद बहुत ज़्यादा मच्छर लगना स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैं नीचे आ गया था अभी। तो फिनिश करते हैं चाय, फिर टहले चलेंगे कॉलोनी में। सो गाइस, जमुना प्रसाद भैया खाना बनाकर चले गए हैं, और शेखर भी कहीं गया हुआ है, उसका मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ है। तो अभी तो मैं कॉलोनी में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि फिर अगर वो पीछे आएगा तो उसके पास की नहीं होगी। तो अभी मैं करने जा रहा हूँ अपनी चंपी सर की और शेप की। तो सर के लिए एज यूजल मैं यूज़ करता हूँ, शायद आपको बता भी चुका हूँ, मामा सर का अनियन हेयर ऑयल। फिर बोल रहा हूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। सेकेंड थिंग कहें तो हम इसकी जो है, इसकी मेरे को ना स्मेल गंदी नहीं लगती है, वरना कुछ में जिनमें अनियन ऑयल होता है उनकी स्मेल अच्छी नहीं आती है। और बियर्ड के लिए मैं यूज़ करता हूँ ये ऑलिव ऑयल यूज़ करता हूँ, क्योंकि बियर्ड को अगर आप ग्रो करना चाहते हैं और आप चाहते हैं वो स्ट्रेट रहे, जैसे आप देखते हैं मेरी अभी बड़ी फशी फशी सी रहती है, स्ट्रेट नहीं है, तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ ये खादी ऑर्गेनिक नाम से आता है ऑलिव ऑयल। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, मैंने इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और अच्छा रिजल्ट भी है, शेप जो है बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी रहती है। तो करते हैं चंपी, फिर चलेंगे कॉलोनी में। सो गाइस, हो गई है हमारी हेयर की चंपी, देख सकते हैं आप कितने शाइनी शाइनी लग रहे हैं हमारे हेयर। तो इसलिए मैं करता हूँ चंपी, थोड़ा हेड सर्कुलेशन बना रहता है, और वैसे भी मैं ग्रोथ जो है दोनों, मतलब हेड की हेयर की और बियर्ड दोनों की ग्रोथ को लंबा करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ अपना यही जो ऑयल मैंने आपको बताया है, और सच में इनका बहुत अच्छा इफेक्ट है, हेयर ग्रोथ मेरी काफ़ी फास्ट हुई, आप देख भी सकते हैं। अगर मैं आपको लेंथ दिखाऊँ, देख सकते हैं आप, ये काफ़ी फास्ट हुई है जब से मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है, और हेयर की ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। जो शेड होना स्टार्ट हुए थे, यानी जो झड़ना बाल स्टार्ट हुए थे, वो भी कम हो गए हैं। पहले मैं ऐसे करता था, चंपी करता था स्टार्टिंग में, तो बहुत सारे आ जाते थे, अभी नहीं आते हैं, देख सकते हैं आप। तो अब बारी है हमारे शेव की। इसके लिए वही यूज़ करता हूँ, आप देख सकते हैं खादी, कहाँ पर ये लिखा हुआ है, आई थिंक आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, अब दिखा हुआ खादी यूनिक, काफ़ी अच्छा है ये भी। ऑलिव ऑयल ही यूज़ करना चाहिए, और शेप के लिए हमेशा लाइट ऑयल यूज़ करें आप ग्रोथ करना चाहते हैं, कभी मस्टर्ड ऑयल यूज़ ना करें। सो गाइस, चलते हैं थोड़ी देर कॉलोनी में, टहल के आएंगे, टहल के आने के बाद करते हैं हम अपना डिनर। सो गाइस, टहलते टहलते आ गया हूँ मैं पार्क में, क्योंकि यहाँ घास में टहलना बहुत अच्छा लगता है, बट लाइटिंग अच्छी नहीं है तो मैं शूट नहीं करता हूँ। तो चलते हैं अब घर, करते हैं डिनर। सो गाइस, आ गया हूँ और करता हूँ अपना सर्व खाना, और खाना खाते हैं। सो गाइस, सर्व कर लिया मैंने अपना खाना, और खाने में है न्यूट्रेला आलू की सब्जी एंड रोटियां। तो खाते हैं अपना खाना, और इसी के साथ एंड करता हूँ अपने इस ब्लॉग को, मिलते हैं कल के न्यू ब्लॉग पर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जय हिंद जय हिंद किसे ना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टाटा बाय बाय।